नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो टॉपिक है हमारा, तो बहुत छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी एक दो बन सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रोसीजर ऑफ फोर फिक्सेशन प्रैक्टिकल नोट्स है आपके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में। तो इसमें हम समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने जो है हिस्टोपैथोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, और कुछ टॉपिक और रह गए हैं, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिक्सेटिव जो होते हैं। प्रैक्टिकली जब आप लैब में काम कर रहे हैं, तो मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ के जो स्पेसिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो बायोप्सी हमारे पास आते हैं, इनको फिक्स्ड करना रहता है बोतल में। और जो 10% फॉर्मलिन बनाते हैं, 10% फॉर्मलिन कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो लेबोरेटरीज में प्राप्त होते हैं स्पेसिमेन, वो आपके ऑपरेशन थिएटर से ही फिक्स्ड होके आते हैं। उसके बावजूद भी आपको लैब में चेक करके देखना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से फिक्स है और फिक्सेटिव है या नहीं है, वो चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद ओटी स्टाफ जो होता है, वो ट्रेंड होना चाहिए फॉर्मलिन को प्रिपरेशन करने के लिए, कैसे 10% फॉर्मलिन बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लार्ज स्पेसिमेन अगर आपके पास रिसीव हो रहा है, तो उसको कट करके फिक्स करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये चीज़ आपको पैथोलॉजिस्ट को बताना है। पैथोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ से कट करना है और कितना कट करना है, उसके बाद आपको उसको फिक्स करने के लिए रख देना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 5 to 10 times द बल्क ऑफ द टिश्यू टू बी फिक्स्ड। इसका मतलब जो आपका टिश्यू है, उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा जो है आपका फिक्सेटिव रिएजेंट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपका जो टिश्यू है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होगा। जो भी आपने रिएजेंट बनाया है, वो अगर कम होगा फिक्सेटिव रिएजेंट, तो उसमें आपका जो टिश्यू है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होगा। इससे आपका टिश्यू प्रोसेसिंग में और एम्बेडिंग होने के बाद जो आप माइक्रोटोमी करेंगे और माइक्रोस्कोपी तक भी आपको प्रॉब्लम होगा, उस बात का ध्यान आपको देना है। अगर आपका फिक्सेटिव ही प्रॉपर नहीं हुआ है प्राइमरी स्टेज में, तो वहीं से आपका गलती जो है चालू हो जाएगी। इसलिए जो है इसको आपको ध्यान रखना है, 5 से 10 गुना जो है आपका फिक्सेटिव रिएजेंट होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में या वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें। तो जो भी जार होते हैं फिक्सेटिव के, उसको जो है क्रॉसिंग टेबल में रखना है आपको, वो होना ही चाहिए आपके पास। और उसके बाद जितने भी बिट्स वगैरह होते हैं, वो ड्राई नहीं होना चाहिए बिफोर फिक्सेशन, मतलब फिक्सेशन से पहले आपको ध्यान रखना है, वो ड्राई नहीं होना चाहिए, सूखे हुए नहीं होना चाहिए। अगर ग्रॉसिंग करते समय भी आपको ध्यान देना है, ग्रॉसिंग होने के बाद बहुत देर तक जो बिट्स कट करके रखा है पैथोलॉजिस्ट ने, उनको अधिक देर तक आपको टेबल में नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए उनको कैसेट्स में लेकर के तुरंत फिक्सेटिव रिएजेंट में डाल देना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। द टिश्यू आर फिक्स्ड फॉर 14 से 24 घंटे के अंदर जो है प्रोसेसिंग इसका फिक्सेटिव का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके टिशू के टाइप्स पर कि वो टिशू कितना बड़ा है, ठीक है। अगर ब्रेस्ट का टिशू है या फैटी टिशू है, तो उसके लिए 24 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टिशू है कौन से टाइप का है और टिशू कितना बड़ा है, उस बात का जो है सैंपल बायोप्सी जो आपके पास आया है वो लार्ज बायोप्सी है या कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर स्मॉल बायोप्सी है, तो उसमें टाइम कम लगता है फिक्स होने में। और जितने भी स्मॉल बायोप्सी या बोन मैरो के बायोप्सीज जो आते हैं, उनको जो है बोतल में रख करके अप्रोप्रिएट अमाउंट में फिक्सेटिव रख करके, और जो भी ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन रहता है वो आपके पास भेजता है, और उसके बाद जो भी बायोप्सी हैं आपके पास आ रहे हैं, वो फिक्स्ड होना चाहिए, थिएटर से ही फिक्स्ड होके आना चाहिए। तो इस बात को जो है आपको ध्यान देना है, और उसके बाद वो आपके लेबोरेटरीज में भेजता है। तो वही चीज़ें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो फिक्सेटिव से रिलेटेड थे। तो जब भी आप लैब में काम कर रहे हो, तो इस नोट्स को जो है आप याद रखें और इनको आप लिख करके रख लें, ताकि आपका फिक्सेटिव के टाइम में अगर कोई मिस्टेक हो रहा है आपसे और कहाँ ध्यान देना चाहिए, उस बात को जो है छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, कहीं भी गलती ना हो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको अपने दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।